आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और इनकी विशेषताओं को समझा। आज हम समचतुर्भुज पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यदि दिए गए समचतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा विकर्ण एसी का मान 14 सेंटीमीटर है, तो क्या आप विकर्ण बीडी का मान बता सकते हैं? वीडियो को रोकें और स्वयं प्रयास करें। क्योंकि हमें विकर्ण बीडी का मान ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले हम विकर्ण बीडी बनाते हैं, जो विकर्ण एसी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, जिसकी मदद से हम एओ की माप ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न में हमें समचतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, जिसका प्रयोग करते हुए हम भुजा एबी की माप पता कर लेते हैं, जो 25 सेंटीमीटर है। अब क्या आप बता सकते हैं कि हमें विकर्ण बीडी की माप ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हम देख सकते हैं कि त्रिभुज एओबी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर हम बीओ की माप पता कर सकते हैं, जो हमें 24 सेंटीमीटर मिलती है। इस समीकरण की मदद से हम कह सकते हैं कि बीडी की माप बीओ की माप की दोगुनी यानी कि 48 सेंटीमीटर होगी। इस तरह हम अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हमने समचतुर्भुज पर आधारित एक उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम वर्ग पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे।